सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको मिल सके मेरी रेसिपी सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक आलू की बहुत टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है दम आलू। और दम आलू जो है वो बड़ा और बच्चों सभी को पसंद आते हैं। और मैं दम आलू को आपको बहुत ही सिंपल वे से बनाना बताऊंगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिसको आप आसानी से घर पर बना के खा सकते हैं। आपको किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमें दम आलू बनाने के लिए क्या चाहिए। दम आलू बनाने के लिए उबले हुए 10 से 12 छोटे आलू लिए हैं। और आप दम आलू बनाने के लिए छोटे आलू का ही यूज करें। अगर आपके पास छोटे आलू नहीं है तो आप बड़े आलू को बीच में से 2 पीसेस करके बना सकते हैं। और लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा और कुछ अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं मैंने। और ली है 8 से 9 लहसुन की कली। और मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर 3 से 4 टीस्पून, क्योंकि जो दम आलू है वो मस्टर्ड ऑयल में ही बहुत टेस्टी बनता है। और ली है 3 मीडियम साइज की प्याज, जो कि मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट ली है, क्योंकि हमें इन्हें ग्राइंड करना है मिक्सी में। और ली है मैंने 1 पिंच हींग। हींग से हमारा दम आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, दम आलू बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम प्यूरी तैयार करेंगे लहसुन प्याज और अदरक की। तो मैं एक जार में लहसुन अदरक और प्याज डाल दूंगी और इसकी प्यूरी बनाकर तैयार कर लूंगी। और प्यूरी जो है वो हमें महीन ही पीसनी है, इसमें कोई पीस नहीं रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दम आलू के लिए प्यूरी बनकर तैयार है। तो चलिए दम आलू बनाना शुरू करते हैं। दम आलू बनाने के लिए मैं कढ़ाई में ऑयल डालूंगी और ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। और फ्रेंड्स, जीरे को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्यूरी। तो फ्रेंड्स, प्यूरी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे साथ ही हल्दी, ताकि हल्दी जो है वो अच्छे से भुन जाए इसके साथ। तो फ्रेंड्स, हमें प्यूरी को जब तक पकाना है जब तक हमारी प्यूरी ऑयल ना छोड़ दे। और हमें दम आलू बनाने के लिए प्यूरी को अच्छे से भूनना पड़ता है, तभी दम आलू में टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, हींग डाल देते हैं। हींग मैंने ऑयल के साथ इसीलिए नहीं डाली थी, क्योंकि हींग ऑयल के साथ जल जाती है, इसीलिए मैं इसको बाद में डाल रही हूँ, ताकि इसमें हींग का टेस्ट आ जाए। तो फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट तक पूरी प्यूरी को अच्छे से चलाने के बाद इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें बाकी मसाले भी डाल देंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक। और इसमें मसाले जो है वो थोड़े अच्छे तरीके से लेने पड़ते हैं, तभी इसमें टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। और मैंने यहाँ पर इसमें 1 कप पानी डाला है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें आलू डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आलू को प्यूरी में डालने से पहले इसमें हम फोक से थोड़ा इस तरीके से छेद कर देंगे, ताकि इसमें जो मसाला है वो अच्छे से अंदर चला जाए। इसी तरह बाकी आलूओं में भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आलूओं में फोक की हेल्प से छेद कर लिया है। अब मैं आलूओं को प्यूरी में डालूंगी और अब हम इनको 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। मिक्स कर देंगे अच्छे से, ढक के रख देंगे इसको। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट तक दम आलू को पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला हम बाद में ही डालेंगे, जिससे कि टेस्ट अच्छा आता है गरम मसाला बाद में डालने के बाद। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे दम आलू बन के तैयार है। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे दम आलू बन के तैयार है। अगर आपको मेरे दम आलू बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।